नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में निकली भर्ती के बारे में। साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में हो रही है। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो भर्ती है बड़े पैमाने पे हो रही है और यदि आपको यहाँ पर जॉब पाना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसी से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ऐसे बहुत से पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है। सिलेक्ट होने पे आपको वेतन अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 60,000 से 90,000 के आसपास है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको B.Tech होना जरूरी है और A.M.I.E पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 साल तक के जो उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकेंगे। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के द्वारा होगी। एप्लीकेशन फी एज पर रूल्स है तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। 26 मार्च 2019 से 25 अप्रैल 2019 तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकोगे। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के 26 मार्च है और अधिकतम आप 25 अप्रैल तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकोगे। साथ ही साथ और भी डिटेल्स यहाँ पर बताए गए हैं। जॉब लोकेशन यहाँ पर आंध्र प्रदेश है तो सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में यानी कि AP में होगी। ऑफिशियल वेबसाइट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज के बारे में जानकारी बताई गई है। वुमेन्स जो कैंडिडेट्स है उनके लिए भी यहाँ पर प्रेफरेंस है अच्छा खासा जॉब पाने का। लोकल कैंडिडेट 70% हो गए, ओपन कॉम्पिटिशन 30% हो गए, तो जो लोकल रेसिडेंट है उनके लिए भी यहाँ पर प्रेफरेंस है और बाहर से जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं वे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में हो रही है। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर पे करनी है जो कि 200 रुपए है। एप्लीकेंट्स अंडर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फी है और एग्जामिनेशन फी जो 200 रुपए है वो अलग से ली जाएगी। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 26 मार्च है और अधिकतम आप अप्रैल तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकोगे। पेमेंट का जो फी के जो पेमेंट है वो आपको 24 अप्रैल के पहले करना है 7 बजे के पहले, वरना आपका जो एप्लीकेशन है स्वीकार नहीं जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन जो सबमिट करने का लास्ट डेट है वो है 25 अप्रैल 2019। मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 42 साल है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स तथा BC कैंडिडेट्स के लिए है और 10 साल का एज रिलैक्सेशन PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न एग्जामिनेशन के द्वारा होगी और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेफरेंस भी बताया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने जरूरी है, मिनिमम 40% मार्क्स आपने स्कोर किए होने जरूरी है आपको सिलेक्ट होने के लिए। एग्जामिनेशन आपकी यहाँ पर ली जाएगी, एग्जामिनेशन सेंटर जो है तिरुपति में होंगे और कुछ इस तरीके से भर्ती है। जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऑनलाइन तरीके से जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।